चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। सबसे पहले एक पैन में हमें ऑयल लेना है, इसमें हम डालेंगे जीरा और ये एक होल चिली, रेड होल चिली मैंने ली है यहाँ पर। इसमें हम चॉप्ड अनियन डालेंगे, दो बड़े प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पर, मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर में इनको चॉप किया है, आप हाथ से भी इनको फाइनली काट सकते हैं। और इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा लेनी चाहिए, टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसकी आप रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब ये देखिए ब्राउन हो गए हैं प्याज हमारे अच्छे से, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। ये मैंने सॉल्ट डाला, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मिक्स कर लें। अब ये मैंने डाला टमाटोस, ये मैंने टमाटो को प्यूरी किया हुआ है, दो टमाटर यहाँ मैंने लिए हैं, उनको मिक्सर में मैंने ग्राइंड किया हुआ है। अब ये मैंने डाला है 1/4 कप, मैंने इसमें सिर्फ बिल्कुल बारीक बारीक काट के शिमला मिर्ची डाली है। ये देखिए अब मैंने डाला 1 टीस्पून कसूरी मेथी और पानी डालने 1/4 कप वाटर। पानी डालने से क्या रहेगा यहाँ पे, एक तो आपका मसाला अच्छे से ब्लेंड होगा और आपकी बहुत ड्राई काइंड ऑफ भुजी नहीं बनेगी। ये 250 ग्राम मैंने ग्रेटेड पनीर लिया है, फ्रेश होममेड पनीर है ये। आप पनीर की रेसिपी भी चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसको मिक्स कर लें अच्छे से, ये देखिए बहुत इजी बनती है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने क्रीम डाल दी और कोरिएंडर लीव्स, क्रीम ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें या घर की भी क्रीम आप डाल सकते हैं इसमें। बस ये रेडी है, अब इसको सर्व कर दें। देखिए कितना इजी था ये बनाना, बिल्कुल भी हमारा टाइम नहीं लगा इसमें और खाने में जितना कम टाइम लगा है उससे रिवर्स ही स्वादिष्ट होता है खाने में। तो इसको गार्निश कर लेते हैं कोरिएंडर लीव्स से। तो रेडी है ये हमारी क्विक एंड ईजी पनीर की भुर्जी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।